Hey guys, welcome back my YouTube channel छत्तीसगढ़ राइडर। दोस्तों अभी हम आए हैं नालीचुआ गांव में और यहां पर एक बहुत ही प्राकृतिक शिवलिंग है। चलिए आपको दिखाते हैं। हमारे मेरे पीछे में देख सकते हैं यहां पर एक कुटिया टाइप के बनाया है, उसके नीचे में शिव शंकर निवास है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो ये देख सकते हो हमारे दोस्त लोग पूरा फुल आपको जाने के लिए। और ये इसको जानते छो पूरा डाकूस के अंदर है वो आकाश मुकेश और अपना स्टेट वाला सरेंदर है। तो यहाँ से देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मंदिर का भी देख सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों प्राकृतिक रूप से इसको झोपड़ी के रूप में बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा जगह में बना हुआ है। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों मंदिर का व्यू को बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मंदिर को दिखाता हूँ आपको। जगह में जैसे आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको देख सकते हो फूल देखने को मिलेगा। कुछ गार्डन एरिया टाइप के बनाया है यहाँ पर, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये तालाब है जो कि नहीं अभी नवीनीकरण हो रहा है। तालाब को देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से तालाब को भी नवीनीकृत किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और यह ध्यान केंद्र के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर देख सकते हो कुछ बरगद का पेड़ है जो कि 100 से 150 साल पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेड़ और बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और क्लाउड आज इतना अच्छा है कि देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लग। तो दोस्तों ये शिवलिंग को देख सकते हो एक झोपड़ी के अंदर रखा गया है जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ पर स्थापित किया गया है। ध्यान के अंदर बहुत ही ठंडा हवा आता है जब आप आओगे यहाँ पर। तो और देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है और ठाकुर का फोटोग्राफी चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है देख सकते हो।